जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन से होगा फायदा। लॉकडाउन, नया लॉकडाउन जो 19 दिन का हुआ है, उससे होगा फायदा। क्या है फायदा, पूरी डिटेल्स में बताएंगे आपको। इस वीडियो में बने रहिए, लेकिन आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सरकार दे रही है ऑफर, सरकार क्या क्या दे रही है इस नए लॉकडाउन में। हम गरीबों को, हम जैसे लोगों को जो सहायक और वैक्सीनेटर है या फिर नहीं है या फिर होने वाले हैं, हर किसी को कितनी बड़ी भर्ती आई हुई है, कहां कहां भर्ती है, सारा डिटेल इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। क्या क्या आप करके घर पे बिजनेस कर सकते हैं, इस सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फालतू की वीडियो ना समझ करके समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर ये बकवास है। दोस्त, इस दुनिया में बकवास कुछ भी नहीं होता, बकवास तो सिर्फ तुम्हारे सोचने के ऊपर है। अगर आप जिस चीज़ को बकवास सोचते हो वो आपको बकवास ही लगेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा वर्ड क्यों ना हो। तो दोस्तों चलिए बेकार की बात ना करते हुए चलिए हम बात करते हैं। सरकार हम जैसे गरीबों को जो है 1,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आपके खाते में 1,000 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो घर की बेटियां हैं, उन सबके खातों में 500-500 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो वैक्सीनेटर और सहायक हैं वो कमेंट करते हैं नीचे कि सर हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। दोस्त, आपको लाभ न मिला हो, बशर्ते आपको लाभ न मिला हो, लेकिन आपके फैमिली में, आपके परिवार के सदस्य में किसी भी राशन कार्ड के माध्यम से, जॉब कार्ड के माध्यम से या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी न किसी तरह से पैसे आया होगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन में सरकार हर किसी की मदद करना चाहती है, हर किसी को आगे बढ़ाना चाहती है, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए सारे लोग, सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। और आपको ये पैसा मिला है या नहीं मिला है मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं कोई भी नया अपडेट आता है वैक्सीनेटर और सहायक को लेकर के या कोई भी भर्ती आता है तो मैं आपसे सबसे पहले रूबरू कराऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।